हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, पिछली कक्षा में मैम आपको तीन अक्षर से बने शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करा चुकी है। मुझे आशा है आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको पढ़ने भी आ गए होंगे। ओके, तो चलिए आज मैम आपको एक बार फिर से इन तीन अक्षर से बने शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवा रही है। ओके, सो किड्स, टेक आउट योर शब्द संसार बुक एंड ओपन पेज नंबर 2828 और सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक और कक्षा कार्य। और बच्चों, पढ़ते समय अपनी फिंगर को शब्दों के नीचे रखते हुए पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं तीन अक्षर से बने शब्दों को। च ट क, चटक। च ट क, क्या शब्द बनाइए, चटक। म ट क, मटक। म ट क, मटक। च ल ह, चल। च ल ह, चल। प ह ल, पहल। प ह ल, पहल। ब च न, बचन। ब च न, बचन। भ ट क, क्या बनाइए शब्द, यस, भटक। भ ट क, भटक। ध ड क, धड़क। ख ड क, खड़क। झ ट क, झटक। ट ह ल, टहल। र ड क, रड़क। च म क, चमक। ख र ल, खरल। ग र ज, गरज। च र म, यस, चरम। च र ण, चरण। स ब क, सबक। स र क, सरक। ग ह न, तो क्या शब्द बनाइए, गहन। ग ज ब, गजब। प ह न, पहन। ब र स, बरस। अ ट क, अटक। भ ट क, भटक। तो किड्स, ओपन पेज नंबर 2929, यहां पर भी ऊपर दिनांक और कक्षा कार्य लिखेंगे। तो चलिए अब हम आगे के शब्दों को पढ़ते। न ज र, नजर। ध म क, धमक। म ग न, मगन। ठ ह क, ठहक। स क ल, सकल। स फ ल, सफल। म ह क, क्या शब्द बनाइए, यस, महक। म ट क, मटक। व ह न, वाहन। स र ल, सरल। ज क ड, जकड़। ग ल त, गलत। छ ट क, छटक। ज ग त, जगत। श र म, शरम। स म झ, समझ। अ ट ल, अटल। ब द ल, बदल। म ह ज, महज।
म ग ज मगज, ल ग न लगन, च र ख चरक, ग ग न गगन, र म न यस रमन, ग ल न गलन, ह र ण हरण, प र ख परख, स ह न सहन, न म न नमन और अ म न अमन। तो चलिए बच्चों एक बार हम इनको फिर से पढ़ने का अभ्यास करते हैं। ओके, इसमें देख रहे बच्चों आप तीन अक्षर है, पहला अक्षर च, दूसरा ट और तीसरा क, तीन अक्षर हो गए। तो ये तीन अक्षर से बने शब्द है, अब कैसे पढ़ेंगे? यस, चटक, मटक, चल, पहल, बचन, भटक, धड़क, खड़क, झटक, टहल, रड़क, चमक, खरल, गरज, चरम, चरण, सबक, सरक, गहन, गजब, पहन, बरस, अटक, भटक, नजर, धमक, मगन, ठहक, सकल, सफल, महक, मटक, वहन, सरल, जकड़, गलत, छटक, जगत, शर्म, समझ, अटल, बदल, महज, यह मगज, लगन, चरक, गगन, रमन, गलन, हरण, परख, सहन, नमन और अमन। ओके, सो किड्स, आपको अपनी शब्द संसार बुक के पेज नंबर 2828 और 2929, इन दोनों पेजेस पर जो तीन अक्षर से बने शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको उन्हें इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।